आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी? हिंदी, हिंदी मैम। अच्छा बताइए अपने बारे में। हाँ नाम से बताना है कुछ? बताइए बताइए, नाम से बताइए। मैम मेरा नाम रविशंकर झा है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय कटिहार से पूरा किया है और मैंने अपना बीटेक राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से पूरा किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और बीटेक के 7 सेमेस्टर के दौरान ही मैंने इंटर्नशिप भी किया है 6 महीने का। उसका डिग्री कंप्लीट होने के बाद मैं तैयारी कर रहा हूँ और तैयारी के दौरान मुझे एक साथ रहने का मौका मिला था एक प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, इंटर्नशिप कहाँ से की आपने? मैं मोशंस प्राइवेट लिमिटेड, वहीं पे कंपनी आई थी कॉलेज में ही, तो उसी में कैंपस हुआ था, तो वहाँ से। क्या करते हैं ये कंपनी? मैम ये ऑटोमेशन पे काम करती है। अच्छा जैसे कि यहाँ हाजीपुर में एक प्लांट लगा हुआ था, उसमें मैंने काम किया। अच्छा कब कंप्लीट किया आपने बीटेक, कौन से ईयर में? 2018 में। 2018 में, ठीक है। और आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते थे, वो टीचिंग समय? यस मैम 1 to 6 के का स्कूल था वो, तो जनरली मैं वहाँ पे एसएसटी के लिए गया अच्छा था, अच्छा तो ओके, वहाँ लेकिन सारे सब्जेक्ट में पढ़ा लिया। ये आपका फर्स्ट टाइम है इंटरव्यू? यस मैम दैट वाज कॉन्ग्रेट्स। और आपने ऑप्शनल हिंदी रखा है, यस मैम। इतना वास्ट चेंज नहीं लगा आपको? मैम इसके पीछे एक मुख्य कारण यह है कि जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी हिंदी माध्यम से हुई थी और उस वक्त काव्य प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया करता था और वहाँ प्राइज भी मुझे मिलते थे, तो एक रुचि बचपन से थी। और हिंदी साहित्य जहाँ तक मुझे लगता है एक संवेदनशीलता हमें प्रदान करती है, साहित्य समाज का दर्पण होता है और ये हर एक पहलू में हमें सीखने का मौका मिलता है यहाँ से। तो ये हाँ, मेरी रुचि और एक संवेदनशीलता इसमें एक बेहतरीन गुण है, इस कारण से मैं इसमें। तो ये संवेदनशीलता हिंदी साहित्य में भी में ही है या इंग्लिश लिटरेचर में भी इंग्लिश है? में मैम क्योंकि अच्छा मुझे हिंदी में इंटरेस्ट था इसलिए मैंने हिंदी को चुना अच्छा फिर। यानी लिटरेचर के जी सब्जेक्ट से। यस अच्छा मैम। तो फिर आपने हिंदी से अगर स्टार्टिंग की पढ़ाई की थी तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बीटेक कैसे इंग्लिश मीडियम में होगा? यस मैम 6 तक मैंने हिंदी में पढ़ाई करी थी, अच्छा उसके बाद उसके जब बाद जैन भी चला गया इंग्लिश। तो वहाँ से सीबीएसई बोर्ड। ओ अच्छा, ठीक है। तो आप बीटेक का रिकॉल, तो अभी तो आपने रिसेंट पास किया है। 18 में पास किया मैम। हाँ या हाँ ठीक है। तो कैपेसिटर बताएंगे क्या होता है? मैम कैपेसिटर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पाऊँ। रेजिस्टर? यस मैम रजिस्टर जो होता है करंट के फ्लो को मैम हिंड्रेंस करता है, वो उसमें प्रतिरोध पैदा करता है डायोड क्या होता है? मैम। डायोड ये यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो होता है इसमें, एक ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। 5G और 4G के बीच में डिफरेंस बताएंगे? मैम 5G 4G में एक तो ये 4G जो है की तुलना में 5G में ज़्यादा स्पीड है और दूसरा 5G में डेटा और डाउनलोडिंग स्पीड जो अपलोडिंग स्पीड है वो भी ज़्यादा है। और ये वाईफाई नेटवर्क को मतलब पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन वाईफाई नेटवर्क को ज़्यादा फॉलो करता है 5G, और 4G उस पर नहीं है। और दोनों की बैंडविड्थ का भी डिफरेंस है, स्पेक्ट्रम का डिफरेंस है दोनों। एग्जैक्ट आप बता सकते हैं क्या डिफरेंस है बैंडविड्थ और स्पेक्ट्रम में? मैम जहाँ तक मुझे अभी याद आ रहा है कि 3.5 GHz 5G का है और ये 2300 MHz पे काम करती है 4G, 2300-2200 MHz पे। न्यू लेबर कोड्स के बारे में कुछ जानते हैं आप? न्यू लेबर कोड्स के बारे में अभी मैं इसके बारे में सॉरी सात निश्चय योजना के बारे में बताएंगे? जी मैम। मैम 7 निश्चय योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके जिसके दूसरा चरण अभी लॉन्च कर दिया गया है पिछले 2019 में, और जिसके 7 आयाम हैं जिसमें कि युवा युवा की प्रगति के 7 नंबर, पहला तो भी अध्ययन, दूसरा है सक्षम महिला। दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स बता दीजिए बस। मैम दो इम्पोर्टेंट, एक सक्षम महिला, सशक्त महिला और समृद्ध गांव, विकसित समृद्ध गांव। जैसे सक्षम महिला में क्या है, उनका क्या कर रहे हैं वो विमेन के मैम लिए? इस बार उन पे खास उद्यमिता पे जोर दिया गया है, उनको उनके अच्छा लिए एक महिला उद्यमी योजना भी लाया गया है जिसमें 10 लाख लोन दिया जा रहा है, जिसमें 5 लाख फ्री ऑफ कॉस्ट अनुदान के तौर पर और 5 लाख ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण है। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? न्यायिक सक्रियता मैम जब न्यायपालिका अपने कार्य क्षेत्र से बाहर निकल कर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में भी हस्तक्षेप करती है और खास करके पब्लिक जनहित याचिका के दौरान करती है, तो उसको न्याय सक्रियता तो ये सही है, है मैम। बहुत न्यायिक इंटरेस्टिंग। सक्रियता तो सही है और थोड़ा ओवररीच अगर हो तो वो खराब माना जाता है क्योंकि सबका दायरा लिमिटेड है तो उससे बाहर जाना सही नहीं होता।
आपको पोएट्री राइटिंग आपकी हॉबी है, कोई पोएट्री सुनाइए। मैंने उन्हें एक युवा पे लिखा था, अमुदित अखंड संसार पर जिसकी है दुआ, अमुदित अखंड संसार पर जिसकी है दुआ, गतिशील समाज की उड़ी है युवा। सफलता के पथ पर तूने, तेरे साथ ऐसा क्या हुआ जो तूने अपने को रोक लिया, अपने को टोक लिया, आशीष समाज के लेने में खुद को झोंक दिया। इस तरह से और पंक्तियाँ हैं। आपके फेवरेट पोएट कौन है? मेरे मैम, अगर भक्ति काल की बात करें तो मैम कबीर हैं, और अगर आधुनिक काल की बात करें तो रामधारी सिंह। और आप बिहार के युवा के बारे में आपको क्या लगता है कि मतलब वो एज ए रिसोर्स यूजफुल है या क्या है? इतना पॉपुलेशन है फिर भी बिहार कुछ प्रगति नहीं कर पा रहा है। मैम जैसा हम सब जानते हैं कि बिहार जनसंख्या में दूसरे तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ के युवाओं में वो कैपेसिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। क्योंकि अभी बिहार का रेट विकास दर भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो जैसे कि कौशल विकास की योजनाएं जो, उसको अगर सही से इम्प्लीमेंट किया जाए, फूड प्रोसेसिंग उद्योग जो हाल ही में आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि बिहार में एक बहुत अच्छा भविष्य है इसका, तो इस क्षेत्र में अगर कार्य किया जाए, और मेनली मेरे ख्याल से मुख्य तौर पर अगर बात करें तो कौशल प्रशिक्षण दे करके बिहार के युवाओं को बेहतर किया जा सकता है, ना सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार के बाहर भी वो अपने रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। ओके दैट्स इट। बिहार के तीन टूरिज्म प्लेसेस को बताइए जो आप किसी को घुमाना चाहिए। मैम एक तो मनेर शरीफ में ले जाना चाहूँगा, दूसरा मैम सासाराम में भी ले जाना चाहूँगा, सासाराम जहाँ शेर शाह सूरी जी का मकबरा है, और बोधी ये गया में, गया भी ले जाना चाहूँगा, और वैशाली में ले जाना चाहूँगा। आपकी पोस्ट प्रेफरेंसेस क्या है? पहला मैम BPS है, उसके बाद फिर MEU है, फिर RDO है, RO है। मैम BPS में क्या अलग करना चाहिए? BPS मैम पुलिस रिफॉर्म्स को मैं बदलना चाहूँगा, जो कि जनरली अभी इन्वेस्टिगेशन टीम जो होते हैं और जो क्राइम कंट्रोल टीम, एक ही को सौंप दिया जाता है, जिससे उनका वर्कलोड पड़ जाता है, और अगर इसको चेंज कर दिया जाए, इनके वर्कलोड को कम कर दिया जाए, तो एक बेहतर विकल्प होगा क्राइम कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन। दूसरा मैं ये करना चाहूँगा मैम कि जो जैसे कि पुलिसिंग, जो पुलिस और पब्लिक के बीच रिलेशन रिलेशन है, उसको मैं ठीक करना चाहूँगा, क्योंकि पब्लिक ही पुलिस के लिए एक जनसंपर्क सूत्र है, जिससे कि वो बेहतर तरीके से क्राइम को कंट्रोल कर सकता है, और साथ ही साथ आगामी घटनाओं से उनको अवगत कराया जा सकता है। तो पब्लिक रिलेशंस को बेहतर करना चाहूँगा, और इन्वेस्टिगेशन टीम और क्राइम कंट्रोल टीम को अलग करना चाहूँगा। ये पब्लिक रिलेशन को आप ठीक करने के 3 स्टेप बताइए। मैं पब्लिक रिलेशंस को ठीक करने के पहला जो मैं करना चाहूँगा, इसमें कि जनरली जो चौकीदार्स होते हैं ये जैसे कि ग्राम पंचायत के एरिया में, तो उनसे सभी को मीट मैं करूंगा, सबसे पहले अपनी मीटिंग करवाऊंगा, और अमन कमेटी बनाना चाहूंगा एक, जिसमें कि ग्राम के जो जो दो तत्व होते हैं, समाज विरोधी तत्व होते हैं, समाज सेवक तत्व होते हैं, उनको शामिल करूंगा, और रेगुलर उससे उनसे मीटिंग करता रहूंगा, हर एक पंचायत के लोगों से मीटिंग करूंगा, जिससे कि वहाँ की स्थिति की जायजा मैं लेता रहूंगा। रिसेंटली यूक्रेन काफी चर्चा है, क्यों? मैम यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध हो रहा है, इस कारण से ज़्यादा चर्चा। इंडिया का स्टैंड क्या है इसमें? इंडिया तो मैम न्यूट्रल है, अभी उन्होंने कुछ अपना स्टैंड नहीं लिया है, हालांकि उसकी निंदा कर रहे हैं वो, लेकिन उनका अपना क्लियर स्टैंड नहीं है। आपकी हॉबी लिसनिंग सॉन्ग की, यस मैम। राग और ताल में क्या डिफरेंस? राग में सॉरी मैम, हिंदुस्तानी म्यूजिक और कार्नेटिक म्यूजिक का डिफरेंस क्या है? हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूजिक कार्नेटिक मैं नहीं सुना हूँ, मैं हिंदुस्तानी ज़्यादा प्रेफर। बिहार के कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है? मैम एग्जैक्टली नंबर्स तो याद नहीं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट के नाम मुझे याद है, जैसे जरदालू आम है, मिथिला मखान है, और ये शाही लीची है, सिलाव खाजा है, इस तरह से की, इस तरह से कुछ और भी है। इथेनॉल पॉलिसी क्या है? इथेनॉल पॉलिसी मैम, इसमें भारत सरकार का की ये भी एक महत्वाकांक्षा पॉलिसी है, जिसमें कि पेट्रोल में कुछ मात्रा में इथेनॉल को मिलाया जाएगा, जैसे कि अभी E20 पॉलिसी लाया गया, जिसमें 2025 तक 20% पेट्रोल में उसको मिक्स करना, 2025 तक योजना रखा गया, जिससे कि आयात जो तेल के आयात है उसको कम किया जा सके। आपने ऑटोमेशन में काम किया है? यस मैम। होम ऑटोमेशन होम ऑटोमेशन नहीं क्या है ये? फिर ऑटोमेशन क्या जॉब प्रोफाइल थी आपकी? मैम, उसमें सेंसर्स होते थे, जैसे टेम्परेचर सेंसर हो गए, जैसे कि फैन था वहाँ पे, बड़े बड़े फैंस लगे हुए थे, और स्प्रिंकल सिस्टम था, तो टेम्परेचर कंट्रोल करना था उस सिस्टम का, ये कृषि विभाग में ऐसा मैंने काम किया था, वहाँ पे जो कुछ कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको कुछ टेम्परेचर चाहिए, लिमिटेड टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन बिहार का टेम्परेचर इन कभी कभी बढ़ जाता है, तो
तो उनके उनका उगने में उनको वृद्धि में दिक्कत होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए बड़े बड़े फैंस लगाए गए थे और टेम्परेचर सेंसर लगाया गया था। अगर कुछ टेम्परेचर से ज़्यादा होता था वो, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे स्प्रिंकल होना स्टार्ट हो जाता था पानी का, जिससे कि टेम्परेचर कम होता था। फिर एग्जॉस्ट लगे हुए थे जिससे कि गर्म हवा को बाहर निकाल जाता था। तो आप ये सेंसर वाले इसमें सॉफ्टवेयर में काम कर रहे थे, हार्डवेयर में काम कर रहे थे, कहाँ काम कर मैम हार्डवेयर में ही मैं काम कर रहा था, सॉफ्टवेयर में काम नहीं कर रहा था। ऑलरेडी प्रोग्राम मुझे वो हम लोग को मिलते थे, प्रोग्राम मिलते थे। हाँ प्रोग्राम मिलते थे, हम लोग उसमें सेंसर लगा दिया वहाँ पे और कनेक्शन मेनली मैं उसको कर रहा था। शुरुआती दौर था इंटर्नशिप का, तो कनेक्शन भी ज़्यादा ध्यान था। बुद्धा जी के गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के, बुद्धा गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम। रविशंकर, आपने बताया कि आप एक अमन कमेटी बनाएंगे जी सर, जिसके में आप समाज के हित में काम करते हैं, जो समाज विरोधी, तो आप समाज विरोधी की पहचान कैसे करेंगे सर? और जब ग्रामीण स्तर पर पहचान करेंगे या पॉइंट आउट करेंगे आप, तो क्या इससे आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी? सर सबसे पहले मैंने मैम से कहा कि जैसा कि मैं चौकीदार से मीट करूंगा, तो चूंकि चौकीदार उस क्षेत्र में बहुत दिनों से रह रहे हैं, तो उन्हें वो आइडिया होगा कि कौन विरोधी तत्व ज़्यादा है, कैसी घटना वहाँ पे घटी है। जब भी एक DSP के तौर पे मैं जहाँ जाऊँगा उस क्षेत्र के बारे में पहले जानकारी लूँगा, क्या स्थिति रही है यहाँ पे, कैसा मुद्दा रहा है, कई संप्रदाय दंगे तो नहीं हुए कहीं, तो इन सब की जानकारी जब मैं चौकीदार से लूँगा तो वहाँ मुझे पता चल जाएगा कि कौन से लोग समाज के विरोधी तत्व हैं और कौन से समाज सेवी तत्व हैं। क्या आप ऐसा डायरेक्ट चौकीदार को इन्वॉल्व करके आप अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके काम नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपका जो DSP का मेजर काम होता है वो होता है डिफरेंट थाना जो आपके अंदर आता है उसका, एक आप कोऑर्डिनेटर के, आप जो हमारे कप्तान बैठे हुए जिला में और जो थाना में हमारे थाना इंचार्ज है उनके बीच के आप कोऑर्डिनेशन है ना, कोऑर्डिनेशन। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करके आप कहीं ना कहीं आपका जो क्षेत्राधिकार है उसको आप क्रॉस करिएगा? सर मुझे जहाँ तक लगता है जैसे कि जो मेरे अधीनस्थ अधिकारी हैं या फिर जो भी पुलिसकर्मी हैं उनसे मुझे मिलना, उनसे मेरी बातचीत करना, ये मेरे क्षेत्राधिकार के अंदर ही है, चाहे वो SI हो वहाँ के, SI हो। हालांकि मैं उनको भी इन्वॉल्व करूँगा, क्योंकि चौकीदार को ज़्यादा नॉलेज होता है उस फील्ड का, क्योंकि वो क्षेत्र भ्रमण पर होते हैं, वो उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो मेरे ख्याल से लगता है चौकीदार को लेना ज़्यादा उचित होगा, इसलिए मैंने चौकीदार को चुना है सर। ठीक है, रविशंकर, आप भी आजकल सेडिशन का सुनते होंगे और UAPA सुनते होंगे जी सर, तो सेडिशन क्या है वो मुझे बता दीजिए, किस एक्ट के में प्रावधान है सेडिशन का, और UAPA क्या है ये बता दीजिए। सर सेडिशन की हिंदी में नहीं एक्सेक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, आप हिंदी ज़रा बता देंगे? सेडिशन मेरे ख्याल से राष्ट्र द्रोह द्रोह, ठीक ठीक है। सेडिशन सर जैसा कि उल्लेख किया हुआ है 124A में, राष्ट्रद्रोह कानून है उसमें, लेकिन ये सर कानून जो है उस वक्त बनाए गए थे, ये ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में बनाए गए थे, तो वो राजद्रोह खास करके लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, जिससे कि ब्रिटिश के खिलाफ, औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ ऐसी कोई उल जुलूल बातें ना हो, उनकी शासन प्रणाली में कोई दिक्कत ना आए। तो हालांकि आज भी संवैधानिक सरकार बिहार भारत में मौजूद है और संवैधानिक सरकार की आलोचना से ही सरकार चलती है, ऐसा कि मुंशी सर ने भी कहा है, तो ये एक तो ज़रूरी है, पहली बात आलोचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम किसी आलोचना के करने वाले को दबा भी नहीं सकते हैं, और अगर वो आलोचना सरकार के हित में नहीं है, एकता और अखंडता के खिलाफ है, संप्रभुता के खिलाफ है, तो उसे दबाना भी ज़रूरी होता है। आपने KM मुंशी सर का नाम लिया है जी सर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जब बनी थी जी सर, उसमें से KM मुंशी किस कमेटी का अध्यक्ष? ड्राफ्टिंग कमेटी में अध्यक्ष नहीं थे, मैं अध्यक्ष पूछ रहा हूँ, किस कमेटी का अध्यक्ष? सर अभी मेरी कॉल नहीं। आप मुझे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बता सकते हैं? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किस चीज़ का सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका सब्जेक्ट है जी सर, जिससे आप पढ़े हुए जी सर, उसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है सर? ये जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल में हो सकता है। कम्युनिकेशन आपने पढ़ा है? यस सर। उसमें आपने फ्रीक्वेंसी सुनी है? यस सर। उसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है सर? तो मैं इसको अभी रिकॉल नहीं कर पाऊँ। लेक्चर के बारे में बता सकते हैं? लेक्चर भी रिकॉल नहीं कर पाऊँ। ठीक है, आप मुझे बताइए कि FRBM एक्ट से आप क्या समझते हैं और ये कब लागू हुआ? FRBM एक्ट सर अभी इसको मैं रिकॉल नहीं कर पाऊँ। ठीक है, जैसे कि आप बिहार में लगभग कितनी बार इमरजेंसी लगी है और सबसे पहली इमरजेंसी कब लगी थी बिहार में? इसको आप मुझे बताइए, आपने बताया कि आपने कृषि विभाग में काम किया था और कृषि विभाग में नहीं सर,
ऑटोमेशन में कुछ काम किया था, छह महीने काम किया। स्प्रिंकलर को देखते रहते थे, स्प्रिंकलर सिस्टम वहाँ लगाया गया था। तो स्प्रिंकलर जो है वो किस टाइप के इरिगेशन है, क्या वो मैक्रो इरिगेशन है या माइक्रो इरिगेशन? माइक्रो इरिगेशन क्या है? माइक्रो सर, माइक्रो इरिगेशन। वो बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, किस टाइप की खेती के लिए? सर वहाँ जो मैं यूज़ कर रहा था वहाँ पे तो पेड़ ऊपर से उसमें लगाया गया था, ऊपर से पानी आ रहा आता था उसमें, नीचे से ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं था, स्प्रिंकलिंग करना होता था ऊपर से। लेकिन बहुत जो जहाँ तक मैंने देखा है खेतों में नीचे से ही स्प्रिंकल सिस्टम लगाया जाता है, और चाहे वो गेहूं की खेती हो। वो क्या आप टपक प्रणाली की बात कर रहे हैं? यस टपक प्रणाली, वो तो स्प्रिंकल नहीं होता है सर उसमें, मैं आपको एग्जैक्ट बता नहीं पा रहा हूँ सर अभी। स्प्रिंकलर जो जो टपक प्रणाली की बात आप कर रहे हैं जी, वो बिल्कुल डिफरेंट है जी। स्प्रिंकलर जो है जी, वो बिल्कुल डिफरेंट है जी। ठीक है जी सर, तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होइए। जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, उसका एक निश्चित रेडाई में उसका छिड़काव होता है जिसके नोजल के थ्रू, ठीक है जी, और वो फिक्स्ड होता है। टपक प्रणाली क्या होता है कि हर एक पौधा के ऊपर लगा रहता है और वहाँ से वो रिश्ता रहता है विथ टाइम, ठीक है। वो दोनों अलग अलग है। खैर मुझे आप प्राइमरी डेफिसिट के बारे में बता सकते हैं? राजेश सुहाटा, हाँ राजेश सुहाटा प्राइमरी डेफिसिट में बोला, प्राथमिक घाटा। हाँ सर, राजकोषीय घाटा में अगर सर अभी रिकॉल नहीं कर पाऊँ, सॉरी सर। ठीक है, आपने ब्रॉयलर पे भी काम किया है कभी? जब आप ऑटोमेशन दे दिए कभी कुछ करते थे तंत्र में? नहीं ब्रॉयलर। ठीक है ठीक है, मेरे तरफ। गडगिल कमेटी किस लिए बनाई गई थी? गडगिल कमेटी, गडगिल मैम पढ़ा था मैम इसके बारे में, अभी सॉरी मैम अभी रिकॉल नहीं कर पाऊँ। संतानम कमेटी के बारे में कोई आइडिया होगा? संतानम सुना, ये भी सुना है मैम, याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। अच्छा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉलो करते हैं ना हम लोग, कुछ डीमेरिट्स बता दीजिए इसके तीन पार्लियामेंट्री के। मैम एक तो सबसे पहले हम लोग जब भी केंद्र राज्य में एक ये देख रहे हैं कि हमेशा अनबन बना रहता है, एक तो इसमें मैं मानता हूँ कि अभी दिक्कत है भारत के लिए जिसको ठीक करना जरूरी है, और दूसरा पार्लियामेंट्री में केंद्रीकृत योजनाओं को ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था, इसको हालांकि ठीक कर लिया गया अब नीति आयोग बनाने के बाद, क्योंकि केंद्रीकृत योजनाओं से भारत जैसे विविधता भरे देशों में शायद विकास संभव नहीं था। और तीसरा अगर तीसरी अगर बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम की, तो राष्ट्रपति का जो इसमें अधिकार है बहुत वृहत नहीं है, उनको सिर्फ एक प्रशासक के तौर पर रखा गया है। तो अभी आपको लगता है कि प्रेसिडेंट के रोल की ज़रूरत है, इतना जब सारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से किया हुआ है, तो आपको लगता है कि प्रेसिडेंट को भी कुछ और पावर्स मिलने चाहिए? मैम प्रेसिडेंट्स के पावर तो ठीक है, लेकिन जो उनकी जो उनका राय होता है किसी चीज़ में, जो उनका हस्ताक्षर होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्हें मंत्रिमंडल के सपोर्ट से ही उनकी बात बनाया जा रहा है उनसे, वो बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है अपने विचारों को करने के लिए। आज तक जो रिकॉर्ड देखा जाए तो एक ही बार शायद तार विधेयक पे उन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, तो अब वीटो में भी फिर जब दोबारा उनके पास मिल जाता है तो उनको वो साइन करना ही पड़ जाता है, तो उनकी विवेक अधिकार का प्रयोग के अलावा उनके पास ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो यूज कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या सोचकर उनका पावर लिमिट किया है, कुछ सोचकर ही किया होगा? जी मैम। हाँ, क्या क्या था इसके पीछे रीजन? सॉरी मैम, इंडिया डेमोक्रेसी है जो पीपल्स पावर पे बिलीव करता है, प्रेसिडेंट डायरेक्टली चूज होकर नहीं आते, बट जो बाकी लेजिस्लेचर है डायरेक्टली पीपल के रिप्रेजेंटेटिव है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। बैठे रहे, 24th को ही है, दो तीन दिन ही बचे। सही है इंटरव्यू, कोई ज़्यादा नॉलेज गैप नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा ब्रश अप करना पड़ेगा, बेसिक टर्म्स, रेजिस्टर, कैपेसिटर, 5G 4G, एग्जैक्ट डिफरेंस कि इतना मुझे लगता है ये सब नहीं, थोड़ा दो तीन ऐसे, तीन ही दिन है, ज़्यादा टाइम नहीं है, है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आपने बहुत रीसेंट किया है, बिकॉज हमारे पास ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो 2013-12 में किया है, 2018 इज रीसेंट, तो पूछ सकते हैं ये छोटा छोटा, बस दैट। और रविशंकर, इसके अलावा आप जानबूझ करके अपने एवेन्यूज मत खोलिए, आप जितने एवेन्यूज खोलिएगा आपने उतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि के एम मुंशी जी वाली बात आपने पूछी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उनसे रिलेटेड आपसे पूछा, अगर आपने वो बात नहीं बोली होती तो आपको वो क्वेश्चन नहीं होता। दूसरा होता है कि इंटरव्यू को आप चाहें तो आप अपने हिसाब से ड्राइव कर सकते, ठीक है? तो आप जो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वैसी वैसी बातें करें, क्योंकि इंटरव्यूअर जो आपको ले रहा होता है क्वेश्चन, उसके पास क्वेश्चन होते नहीं है, वो जो आप बोलते हैं उससे वो आपको पूछ रहा होता है, ठीक है?
आप जिस डायरेक्शन में उनको ले जाना चाहें वो आप ले जा सकते हैं। तो ध्यान रहे कि आप ज़्यादा अपने एवेन्यूज ना खोलें जिससे वो क्वेश्चन आपसे पूछें। मैं इसको मतलब लिमिट करना चाहूँ। हाँ, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत सही है, आई कॉन्टैक्ट भी बहुत सही है, कॉन्फिडेंस भी बहुत सही है, आप एनालिटिकल पोर्शन में बहुत सही आंसर देते हैं। जब स्टैटिक आपसे पूछा जा रहा है तो थोड़ा आप भूल जा रहे हैं, जैसे एफडीए का तो लूसेंट होता है ना, बस एक बार नज़र मार लीजिएगा सर, ठीक है। इसके अलावा तो हिंदी साहित्य में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने नहीं पूछा है लेकिन वहाँ पर पूछा जाएगा, पोइट के बारे में काफ़ी नॉलेज होती है। हिंदी साहित्य में तो तैयार है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोगों से कि आप जैसे पूछेंगे, लेकिन कभी भी ऐसा सांप हो सकता है कि का और कर्ण का संवाद है, आपने रामधारी सिंह दिनकर अपना फेवरेट वो बताया। यस सर, क्या कभी कभी का मैंने बताया था सर उनको, आपने आधुनिक काल में रामधारी सिंह दिनकर। यस सर, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का एक कर्ण और सांप का संवाद है जी, तो पढ़ा नहीं है सर। हाँ, उसको जरा देख लीजिएगा, वो काफ़ी फेमस है, सांप और कर्ण का, कर्ण का चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, पट कुरुक्षेत्र में खेल खेलने सर। वो कृष्ण और कर्ण का संवाद तो नहीं है, उसी में है, लेकिन उसका जो सांप और कर्ण का संवाद है सर वो थोड़ा देख लीजिए। कृष्ण और कर्ण का संवाद तो मैंने पढ़ा था सर, लेकिन उसमें सांप और कर्ण, और वो बेसिकली अगर आप रामधारी सिंह दिनकर बोलेगा तो आप उसमें वो रस्सी रखी आपसे पूछेंगे। ओके सर, मैं उसको देख लीजिए, देख लीजिए। आपकी हॉबी लिसनिंग सॉन्ग, पोएट्री राइटिंग दोनों ही, आप दोनों में स्ट्रांग किस में? पोएट्री राइटिंग में। तो हाँ, ये नहीं, दूसरी बात है कि ये आप जिस लिखिए ना लिसनिंग सॉन्ग एंड वो दोनों से आप क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्यों हम लिमिटेड करके चले ना। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये अगर बोलेगा हम एग्रीकल्चर में काम किए हुए हैं कुछ भी बोलेंगे, तो एक और एवेन्यू आप खोल रहे हैं उनको, आप यहाँ से क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। तो जितना हो सके आप उसको ब्लॉक करके रखिए, लिमिटेड स्पेस में रखिए। एग्रीकल्चर का वो फील्ड नहीं था सर, बस मुझे मतलब उन्होंने सिखाने के लिए कनेक्शंस कैसे करना है, क्या करना है। जैसे आप बोलिएगा ना, हमने यहाँ काम किया है, इस पे काम किया, आप 2018 में ही काम ये किए, ठीक है, बहुत रिसेंट है आपका। तो आप ये कह सकते हैं कि 18 हमने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद हम सिविल सर्विस की तैयारी में, मतलब इंटर्नशिप की बात कुछ। हाँ हाँ, क्योंकि जहाँ वो आपके ऊपर है, जितना चैनल आप खुलेगा उससे इतना क्वेश्चन आप पूछते हैं। ओके, आपका बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा जाएगा, 4 दिन में ही काफ़ी कॉन्फिडेंट हो आप, इतने में ही चल रहा है। और हाँ, स्माइल वगैरह सब सही, ऑल द बेस्ट। Thank you. Thank you, Steve.